हाय स्टूडेंट्स, हम पहले बता चुके थे कि वेरिएबल्स क्या होता है पिछले टॉपिक में। हम आज बताएंगे कि प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं और प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का होता है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कैसे वो रन करता है, क्रियान्वयन कैसे होता है, कैसे कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं, कहाँ लिखते हैं, ये सब सारा स्टेप्स हम आपको बताएंगे आज। तो चलिए, लिखना और ऑडिट करना, राइटिंग और ऑडिटिंग। राइटिंग जब करते हैं या ऑडिट करते हैं, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का पहला स्टेप होता है। लिखते हैं या ऑडिट करते हैं तो ये प्रोग्राम का सबसे पहला चरण होता है, सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है। सबसे पहले टेक्स्ट ऑडिटर का प्रयोग करके सी प्रोग्राम को लिखा जाता है। टेक्स्ट ऑडिटर मतलब जैसे टर्बो सी प्लस प्लस, इस सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने पीसी में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करके उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे सारे प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ऑडिट करते हैं। ये सबसे वही टेक्स्ट ऑडिटर बोला जाता है। तमाम तरह के टेक्स्ट ऑडिटर हैं। इसके बाद प्रोग्राम को सी एक्सटर्न का प्रयोग करके सेव किया जाता है। मतलब जो आप प्रोग्राम को लिख लेंगे, लिखने के बाद सी एक्सटर्न डॉट लगा के उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसे सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। सब सारे चीज़ का सोर्स कोड लिख लिए तो सोर्स प्रोग्राम हो गया। यह सोर्स कोड होता है जिन्हें अगले स्टेप में कंपाइल किया जाता है। जब लिख लेंगे तो जो सी एक्सटेंड करके जब सेव करेंगे तो उसको हम फिर क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करेंगे तो जहाँ इरर जो आती है उस इरर को क्या करता है, वो बताता है कि किस स्टेप में कहाँ इरर आया है। फिर इसको ऑडिट करते हैं, फिर कंपाइल करके रन कर देते हैं। जब कुल इरर ख़त्म हो जाता है तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। यही सारा स्टेप है। इसके बाद प्रोग्राम को सी एक्सटर्न का प्रयोग करके सेव किया जाता है। इसे सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। यह सोर्स कोड होता है जिन्हें अगले स्टेप में कंपाइल किया जाता है। सी प्रोग्राम को अलग अलग टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है। ये लिखना और ऑडिट करने की बात रही। नेक्स्ट आता है कंपाइलेशन, मतलब उसको कंपाइल करना। कंपाइल करने का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रोग्राम में कहाँ इरर आ रहा है उस चीज़ को डिफाइन करता रहता है, जिसको हम क्या करते हैं, इरर्स करके वो नेक्स्ट उसको बनाते रहते हैं। जब अच्छा हमारा कोई इरर्स नहीं आता तो रन करा देते हैं, तो प्रोग्राम बन जाता है हमारा। यही हमारा ये जो विधि होती है वो कंपाइलेशन होती है। सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल के द्वारा कंपाइल करके इसे मशीन इंस्ट्रक्टर में बदल दिया जाता है। जब कंपाइल करते हैं तो उसको क्या करता है, बाइनरी भाषा में वो चेंज होता है, 01 बताए थे ना, मशीन भाषा 01। कंपाइलर इरर को भी चेक करता है। इरर को करेक्ट करने के बाद रिकम्पाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट किया जाता है। कंपाइलर किसी भी प्रकार का सिंटैक्टिकल या स्ट्रक्चरल इरर को चेक करता है और ऑब्जेक्ट इंटेंशन के साथ ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है। ये काम किसका है, कंपाइलेशन का। कंपाइल करते हैं तो कोई भी इरर आता है उसको क्या करते हैं, हम क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्या, लिंकिंग। अब जो प्रोग्राम हमारा हो गया उसको लिंकिंग कैसे होती है उस चीज़ को बता रहे हैं। लिंकिंग एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है जो लिंकर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लिंकर फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन के साथ प्रोड्यूस करता है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल जो स्क्रेटेड हो सकते हैं उनको लिंक करके एक सिंगल फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्जन का कार्य लिंकर ही करता है। लिंकर लाइब्रेरी फाइल को भी इंक्लूड करता है। प्रोग्राम को दूसरे लाइब्रेरी या हेडर फाइल के साथ भी लिंक किया जाता है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल जो होते हैं उसको स्कैटर्ड कर सकते हैं और उसको सिंगल फाइल एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करता है। ये सब सारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं सोर्स कोड बनने के बाद वो सब सारी चीज़ों को लाइब्रेरी में क्या करता है, इंक्लूड करता है, उस प्रोग्राम को हेडर फाइल से जोड़ता है। जोड़ने के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, मतलब रन की विधि। एग्जीक्यूशन प्रोसेस सी प्रोग्राम का फाइनल स्टेज होता है। लिंकिंग के बाद कोड को लोडर के पास भेजा जाता है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, उस पर भेज के उसको क्या करता है, भेजा जाता है। एग्जीक्यूटेबल कोड को पहले लोडर मेमोरी में लोड करता है।
एक्यूमुलेटर जैसे एड्रेस हो गया ना, तो मेमोरी के लोकेशन को उसको सारे को क्या करता है, प्री प्रोसेसर लोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट कंसोल के पास भेज देता है, जिससे हमारा क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है। सी प्रोग्राम के देखिए यही मुख्य क्या है, सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टेप है। पहले हम क्या किए, सोर्स कोड देखिए, फाइल नेम कोई भी चीज़ लिख दीजिए, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स लिख रहे हैं, मतलब दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वहाँ पर लिख देंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, या लिख दीजिए कि एडिशन डॉट सी, मतलब वो फाइल का सोर्स कोड हो गया, लिख दिए। फिर उसको हम क्या किए, कंपाइल किए, कंपाइल करिए तो हमारा क्या बना, ऑब्जेक्ट कोड बना वहाँ पे, तो उसका फाइल नेम हो जाएगा कुछ भी वही जो आप दिए होंगे, तो ऑब्जेक्ट कोड हो जाएगा। फिर वो लिंक करेगा तो एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा, उसका फाइल नेम एक्सटेंशन से हो जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। यही विधि चलती रहती है सारे प्रोग्राम में। ठीक, जय हिंद जय भारत।